हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। ये है वाइटैलिटी ब्लास्ट का आज का सेकंड गेम जो होने वाला है वॉरविकशायर और यॉर्कशायर के बीच में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजन 11, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव विजन टू प्ले माय गेम। अब बारी आपकी है, डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। और ये थोड़ा सा स्पेशल प्रीव्यू है, अलग प्रीव्यू है, और अपने साथ आज है कुणाल जो कि हमारे एनालिस्ट हैं और आज हमें मदद करेंगे इस गेम का प्रीव्यू कंप्लीट करने में और अपनी जो भी बेस्ट टीम है उसको एनालिसिस और डेटा के बैक पे पिक करने में। तो कुणाल, वेलकम टू द शो। हेलो सर। तो कुणाल, आई एम श्योर फर्स्ट गेम आप खेल चुके होंगे अब तक, राइट? और फर्स्ट गेम की जो हमने प्रीव्यू करा था उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स हमने यूजर्स के लिए बताए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो 7 o'clock को वो मैच था, वो आप देख लेना अगर अब तक आपने वो प्रीव्यू नहीं देखा तो। और अब इस गेम में ना दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चॉइसेस, कुछ बढ़िया पिक्स होने वाली है। तो सबसे पहले हम जब इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम देख लेते हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है, राइट? बिकॉज स्क्वाड्स अनाउंस हो चुकी है। तो वॉरविकशायर की तरफ से येट्स और स्टर्लिंग ओपन करेंगे, डेविस होंगे नंबर 3 पर, फिर सैम हेन होंगे, मोज़ली, बर्नार्ड, वोक्स, हसन अली, जे क्लिंटॉट, डैनी ब्रिक्स और हेनरी ब्रूक्स। ये होगी वॉरविकशायर की प्रोबेबल 11। कुणाल, यॉर्कशायर की तरफ से यॉर्कशायर का आपके हिसाब से क्या होगा प्लेइंग 11 फॉर दिस गेम? यॉर्कशायर की तरफ से लीथ और बेरिस्टो करेंगे ओपन, मसूद एट 3, मलान एट 4, टेटरसल एट 5, जॉर्डन थॉमसन एट 6, माइक एट 7, मैथ्यू रेविस, जफर चौहान और डॉम वेस्ट, डॉम लीच, ये इनका बॉलिंग लाइनअप कंप्लीट करेंगे। वहां पर जॉनी बेरिस्टो का नाम देखकर आईपीएल की कुछ टीम और शायद कुछ कोचेस को बहुत शायद यू नो मिस किया होगा उनको, तो बहुत खुश है कि जॉनी बेरिस्टो रिटर्न करें फाइनली इंजरी से। और आज जॉनी बेरिस्टो पे हम कुछ स्पेशल डिस्कशन भी करेंगे कि क्या वो सच में कैप्टनसी वर्दी ऑप्शन है कि नहीं है, बट वो अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के। दोस्तों, ये मैच होने वाला है एजबैस्टन बर्मिंगम में, जहां पर हमने देखा है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 177 का है। याद रहे ये सेम ग्राउंड पे, इसके पहले 7 PM वाला जो मैच है वो इसी ग्राउंड पे होगा। कुणाल, एजबैस्टन की बात करें तो वहां पर पेस वर्सेस स्पिन में आपको क्या लगता है, क्या किसी पर्टिकुलर बोलिंग डिपार्टमेंट को यहां पर एडवांटेज मिलता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मतलब जो नंबर्स कहते हैं दोनों का एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, 23.1 स्ट्राइक रेट भी पेस का है 16 का और स्पिन का है 15.8 का, तो दोनों ही नेक टू नेक है, कोई एक बॉलिंग टाइप को सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे। हालांकि स्पिन को थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि सेंटर विकेट T20 में इतना यूज नहीं करते हैं, सेंटर विकेट यूज ना करने की वजह से बाउंड्री एक तरफ की छोटी हो जाती है जिससे स्पिनर को थोड़ा टफ होता है। Got it. ठीक है, तो ना ये मतलब तो एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया इनसाइट है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उनको नोटिस करके चलना है। तो अब ना बिकॉज आई थिंक आज दिन में बहुत सारे गेम्स हुए हैं, 2 IPL मैच खेल चुके हो, चार्लेट एडवर्ड खेल चुके हो, यहाँ तक कि इसी इतना ये अपना वाइटैलिटी ब्लास्ट का फर्स्ट गेम भी खेल चुके हो, तो ये गेम में हम सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट आएंगे और कुणाल चलते हैं फटाफट टीम बना लेते हैं ताकि यूजर्स को अपनी मदद मिल जाए इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दैट टीम। ओके, ठीक है, अपन ना सबसे पहले चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जॉनी बेस्टो जो पहला नाम सबकी टीम में नजर आएगा, राइट? जॉनी बेस्टो को आप पिक करोगे कुणाल? हाँ, जॉनी बेस्टो अगर मैं सेफ जाना चाहूंगा तो पिक करूंगा, हालांकि कैप्टेंसी चॉइस में मुझे थोड़ा सा डाउट रहेगा, बेस्टो इंजरी से वापस आ रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास के अभी 2 गेम्स खेले उन्होंने भी 50 नहीं करी है, स्कोर कुछ ज्यादा किया नहीं, फॉर्म पे थोड़ा डाउट है, विकेट कीपिंग करते हैं तो मेरे लिए एकदम सेफ पिक रहेंगे बेस्टो यहाँ पे। बढ़िया है, गुड चॉइस। जॉनी बेस्टो मेरे लिए भी टीम में पक्का रहेंगे, कैप्टेंसी नॉट बनाए के ना बनाए वो थोड़ा सा रिस्की है, बट अगेन यू नो जिस दर्जे के वो प्लेयर हैं वहां पर आसान हो जाता है उनके लिए कि एक कमबैक करना, बट लाइक यू राइटली सेट सेफ रहना होगा तो कैप्टेंसी मत करेगा इनको, बट आपको थोड़ा सा भी रिस्क लेने का मन हो तो बेस्टो एक अच्छे खासे कैप्टेंसी ऑप्शन भी हो जाएंगे। इनके अलावा विकेट कीपिंग सेक्शन में कुणाल मेरे हिसाब से ए डेविस एक और ऑप्शन है, क्या आप उनको कंसिडर करोगे अपनी टीम में? नहीं, एलेक्स डेविस का भी फॉर्म उतना खास है नहीं, प्लस मैचअप्स की बात करें तो जॉर्डन थॉमसन ने उन्हें 2 बार आउट किया है, बेन माइक ने 1 बार आउट किया, और इस वेन्यू पे एवरेज है सिर्फ 15 का 16 इनिंग में, तो डेविड्स के लिए निगेटिव काफी ज्यादा है इस गेम में मेरे लिए। फेयर इनफ, तो शायद एलेक्स डेविस अपनी टीम में नहीं रहेंगे। और इनके अलावा आई थिंक जे टैटरसेल जो है वो एक और ऑप्शन है, क्या आप उनको कंसिडर करोगे अपनी स्मॉल लीग टीम में? स्मॉल लीग टीम में तो टैटरसेल नहीं आएंगे क्योंकि बहुत कम ओन होंगे, जीएल टीम में एक बार पिक कर सकता हूँ ये देख के कि बेरिस्टो और डेविस का फॉर्म उतना खास है नहीं, उनके नेगेटिव्स इनफ हैं, तो अगर जीएल की मैं टीम बना रहा हूं तो शायद मैं टेट्रासल एक दो टीम में पिक कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर फिर सिंगल एक पिक होंगे हमारी तरफ से जो कि होंगे जॉनी बेरिस्टो और उनको हम पक्का लेके चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं फटाफट बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में मेरे ख्याल से सबसे पहला नाम जो हम सबकी टीम में फिर से नजर आएगा वो होगा डेविड मलान का, राइट? डेविड मलान एक एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर है, रिकॉर्ड्स इनके काफी बढ़िया है, वेन्यू पर भी इन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करी, तो अगर आप देखोगे डेविड मलान ऑलरेडी इस वेन्यू पर 5 इनिंग में 150 रन मार चुके हैं, 37.5 का इनका एवरेज है,
तो मलान पक्का अपनी सबकी टीम में रहेंगे। इनके अलावा एक और बड़े नाम जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एडम लिथ। तो कुणाल, व्हाट इज योर टेक ऑन एडम लिथ? एडम लिट एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, एवरेज 39.57 का है इस वेन्यू पे। हालांकि बस एडम लिट को एक खतरा है, वो होगा डेनी ब्रिक्स से। डेनी ब्रिक्स ने उन्हें 14 बॉल में 2 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट भी 100 का है। बाकी उन्होंने वाटविक सार के सारे बॉलर्स को अच्छा खेल रखा, बॉक्स बॉक्स को 10 बॉल में 34 रन मार रखे हैं, लिंटॉन को 20 बॉल में 40, 200 के स्ट्राइक रेट से अभी तक डिस्मिसल नहीं हुआ है। तो वार्विक सार के ज्यादातर बॉलर्स को लीथ ने अच्छा खेला है, बस एक ही खतरा होंगे डेनी ब्रिक्स, अदरवाइज बहुत अच्छी चॉइस है एडम लाइट। परफेक्ट। डैनी ब्रिक्स जैसे कुणाल ने बताया कि 4 इनिंग में 14 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं। एड बर्नार्ड ने उनको 4 इनिंग में 1 बार आउट करा है, क्रिस वोक्स ने 1 इनिंग में 1 बार आउट करा है, बट उस इनिंग में 10 बॉल में 34 रन ऑलरेडी लिथ ने स्कोर कर दिए थे वोक्स के सामने। हेनरी ब्रूक्स ने इनको 3 इनिंग में 1 बार आउट करा है, लिंटॉट ने 2 इनिंग में 1 भी बार आउट नहीं करा अब तक, और डैन मोजली ने भी 1 इनिंग में अभी भी 1 भी बार उनको ट्रबल नहीं करा था। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 2 टॉप पिक जो कि होंगे मिलान, डेविड मलान और एडम लिथ। इनके अलावा सैम हेन एक और ऑप्शन है राइट, जिनको आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। तो क्या कुणाल सैम हेन आपकी टीम में नजर आएंगे? हाँ, सेमेन जरूर नजर आएंगे क्योंकि उनका रेड वॉल फॉर्म भी इस सीजन का काफी अच्छा है, रिसेंट स्कोर्स काफी अच्छे हैं, वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, एक कंसिस्टेंट प्लेयर जो कि पेस और स्पिन दोनों ही अच्छा खेलते हैं। राइट, तो सैम हेन के जो वेन्यू रिकॉर्ड कुणाल ने बात करी, 42 इनिंग्स में 1094 रन है इनके, 30.39 का एवरेज है। यही वेन्यू का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे एडम लिथ का भी, तो 8 इनिंग में 277 रन है, 39.57 का। और डेविड मलान का वेन्यू रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों बैटर्स जो है आई थिंक मोस्ट टीम्स में नजर आएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक बन जाती है हमारी सबकी फैंटेसी टीम में। इनके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पर नजर आ रहा है वो है पॉल स्टर्लिंग का। पॉल स्टर्लिंग दोस्तों अगर आपको याद हो, तो कोई भी नई टूर्नामेंट जब वो स्टार्ट करते हैं तो धमाकेदार से करते हैं राइट। तो पॉल स्टर्लिंग एक ऐसा इंटरेस्टिंग चॉइस होगा, अगर आपको रिस्क लेना होगा तो आपके 11th प्लेयर की जब हम डिस्कशन करेंगे वहां पर पॉल स्टर्लिंग को एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में आप पक्का कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज अगर ये चले तो टॉप ऑफ द इनिंग्स में आपको जम के रन बनाकर दे सकते हैं। और हमने देखा है इस वेन्यू पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है क्लोज टू 180 का, तो वहां पर एक अच्छे खासे ऑप्शन बन जाते हैं। कुणाल, इन 4 ऑप्शंस के अलावा क्या एक और कोई ऐसा बैटर है जो आपको लगता है कि आप स्मॉल लीग टीम में या जीएल टीम में ट्राई करना चाहोगे? जीएल पिक में मेरे पास एक नाम है डेन माउजली। देखा देखा जाए तो यॉर्क शायर के पास लेफ्ट हैंडर काफी ज्यादा है, डेन माउजली यहाँ पे 1-2 ओवर्स डाल सकते हैं और लोअर ऑर्डर में 5-6 नंबर आके ठीक ठाक बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। तो जीएल टीम में एक डेन माउजली जरूर एक नाम है जो कंसिडर कर सकते हैं आप लोग। परफेक्ट, देन हमारे पास ये 5 बैटिंग ऑप्शन हो गए। अब इनमें से क्या आपको 3 के साथ जाना है, 4 के साथ या 5 के बाद ये 7 जाना है, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। बट शायद हमारे हिसाब से वैल्यू बोलर्स में ज्यादा दिखेगी और वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अभी ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर फिलहाल मैक्सवेल, मोइन अली ये कोई भी अवेलेबल नहीं है, पर वहां पर एक बहुत बड़ा नाम, वो बहुत बड़ा नाम है जॉर्डन थॉमसन का, एंड आई थिंक एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन में भी थॉमसन आ जाएंगे। कुणाल, व्हाट्स योर टेक ऑन हिम? हाँ, अपने फुल कोट ऑफ ऊपर डालेंगे यहाँ थॉमसन, और डेथ डेथ में भी डालेंगे, और फिर ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर, तो एक अच्छी चॉइस है, सेफ पिक है, कैप्टेंसी के लिए बिल्कुल सेफ पिक है अगर यॉर्कशायर बॉलिंग पहले करती है। करेक्ट। इनके अलावा जो हमने देखा देखा था जैसे कि बाकी बड़े नाम अवेलेबल नहीं है, डाविड वीजा, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, एक नाम जो यहाँ पर अवेलेबल है वो है ई बर्नार्ड का। अगर आप चाहो दोस्तों तो बर्नार्ड को अपनी जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो, बट अभी जो अपन करंट 11 बनाने की कोशिश करेंगे जो आपकी हेड टू हेड टीम या स्मॉल लीग टीम में होंगी, वहां पर शायद बर्नार्ड आपको इतनी वैल्यू देकर ना जाए। जीएल में ट्राई करना है पक्का ट्राई कर लो, कोई आपको रोक नहीं सकता, बट फिलहाल इनको अपने कंसिडरेशन सेट से हम बाहर रखेंगे एज फार एज हेड टू हेड एंड स्मॉल लीग इज कंसर्न। कुणाल, कोई और ऑलराउंडर है जो आपके हिसाब से इस गेम में अवेलेबल होगा जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए? डॉम बेस यहाँ अवेलेबल है, बट वो एज अ बॉलर ज्यादा है, ऑलराउंडर की वैल्यू आपको दे नहीं पाएंगे, बैट से उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, काफी नीचे आते हैं, और स्पिन काफी अच्छा खेलती है वार्विक साहब, तो डॉम बेस में नहीं लेना चाहूंगा, अवेलेबल है फिर भी। तो डोमिनिक बेस्ट दोस्तों एक और ऑप्शन है जो आप चाहिए तो जीएल के लिए ट्राई कर सकते हो। चलते हैं बोलिंग सेक्शन में। सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से जो आएगा वो होगा डैनी ब्रिक्स का। अगर आप देखोगे दोस्तों एक एक्सपीरियंस बोलर है, इन्होंने मल्टीपल बैटर्स को ऑपोजिशन से परेशान करा है। एडम लिथ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, 4 इनिंग में 14 बॉल डाले हैं, 14 रन कंसीड करे हैं, बट 2 बार आउट करा है। डेविड मलान को 12 इनिंग में 2 बार आउट करा है, जॉनी बेस्टो को 3 इनिंग में 3 बार आउट करा है, और शान मसूद को 2 इनिंग में 2 बार आउट। तो डैनी ब्रिक्स तो पक्का मेरी फैंटेसी टीम के बोलिंग सेक्शन के नंबर 1 पिक बनते हैं। कुणाल, आपकी तरफ से वो नंबर 1 पिक कौन होंगे? नंबर 1 पे होंगे मेरे लिए बेन माइक यहाँ पे, और यॉर्कशायर बॉलिंग पहले करती है, फुल कोट ऑफ ओवर डालेंगे, नीचे आके बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं। लास्ट ईयर की रिकॉर्ड्स की बात करें तो 21 का एवरेज है बैट से, और रन करे हैं 213 13 इनिंग में, और बॉलिंग की बात करें तो 15 विकेट है, स्ट्राइक रेट है 16.4 का, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है लास्ट लास्ट वेटरी लास्ट में, और एक सीवीसी डिफरेंशियल पिक भी हो सकते हैं आपकी जीएल टीम में और एसएल टीम में। बेन माइक मेरे लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे बॉलिंग सेक्शन में। आई अग्री विथ यू। अगर डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ अगर कोई जा रहा है,
तो बेन माइक से बढ़िया नाम नहीं मिलेगा इस गेम में, स्पेशली अगर वो बोलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो एक सरप्राइज एलिमेंट है एंड ही कैन डेफिनेटली ट्रबल दी ऑपोजिशन बैटर। तीसरे नाम जो अगर बोलिंग सेक्शन में अगर देखें कुणाल, तो क्या आप क्रिस वोक्स के साथ जाओगे कि क्या आप हसन अली को बैक करोगे? यहाँ मैं हसन अली को बैक करूंगा। उसका रीजन ये है कि अगर हसन अली के लेफ्ट और राइट हैंड स्प्लिट्स देखें, जैसे कि यॉर्कशायर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज्यादा हैं, तो हसन अली लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट अच्छा अच्छा बॉल करते हैं। 14.9 का स्ट्राइक रेट है हसन अली का यहाँ पे, राइट हैंडेड के अगेंस्ट 18.4 का है। तो ऑब्वियसली ये हसन अली लेफ्ट हैंडेड को बॉलिंग करना पसंद करते हैं और ये नीचे रन भी बना सकते हैं लोअर ऑर्डर में आके। तो हसन अली डेफिनेटली वेरी गुड ऑप्शन जो आपके थर्ड बॉलर के लिए है। मेरे लिए क्रिस वोक्स भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस बनेंगे, ठीक है। अगर आप फोर्थ बॉलर की अगर आप यू नो फोर्ज में हो, तो वहां पर क्रिस वोक्स एक बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बैटिंग के थ्रू भी आपको रन बना के दे सकते हैं और हमने देखा है कि वो कितने एक्सपीरियंस प्लेयर है। सेकेंडली इनकी ओनरशिप अगर आप देखोगे तो हमेशा काफी हाई रहेगी, और अगर वोक्स चल गए 2-3 विकेट लेकर चले गए तो आपको शायद वन साइडेड लॉस भी करा सकते हैं। तो मेरे लिए फोर्थ बॉलर क्रिस वोक्स रहेंगे, नंबर 3 पर हसन अली जैसे कुणाल ने बताया था। इनके अलावा आदिल रशीद आई विश अगर अवेलेबल होते तो शायद इस विकेट पे काफी काम आते, पर अभी वो फिलहाल नहीं है, वो बिजी है फिलहाल यू नो सनराइजर हैदराबाद के साथ। इनके अलावा आपके पास दोस्तों एक और ऑप्शन है जो कि है जेक लिंटॉट का, अगर आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, बट याद रखिएगा ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है और सामने हमने देखा है कि यॉर्कशायर के पास काफी लेफ्टीज है। तो हमने एक चीज जो यू नो आईपीएल में भी अक्सर बात करी है कि कप्तान एक लेफ्टी बैटर के सामने लेफ्ट आर्म बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लगाता, तो क्या पता सेम लॉजिक यहाँ भी चल जाए, बट अदरवाइज जेक लिंटॉट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है जो आप कंसिडरेशन में लिख सकते हो। कुणाल जाते जाते कोई ऐसा एक और नाम बोलिंग सेक्शन से जो आपको लगता है कि तो हटके से हटके पिक बन सकता है? हाँ, हेनरी ब्रुक्स एक नाम है जिनकी ओनरशिप कम रहेगी और ये काफी सालों से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में, और ये डेथ में भी डालेंगे, नई बॉल से भी आपने डालते हो देख सकते हो, विकेट्स काफी निकालते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है ये। तो है आपके पास है हेनरी ब्रुक्स का एक ऑप्शन जो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, और चाहिए तो जीएल में भी अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों फटाफट अब देख लेते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस क्या बनते हैं इस पर्टिकुलर गेम में। तो कुणाल मेरे लिए नंबर 1 कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस में आएंगे डेविड मलान, ठीक है, और नंबर 2 पर होंगे जॉर्डन थॉमसन। तो क्या इन दोनों के अलावा आपकी जो पिक्स है या आपकी नजर में कोई ऐसा प्लेयर है जो आप जिसको कंसिडर करोगे कैप्टन या वाइस कैप्टन? हाँ, मैं यहाँ एक एडम लैथ को जरूर कंसीडर करना चाहूंगा क्योंकि उनका वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, मैचअप्स अच्छे हैं डेनी ब्रिस की अगेंस्ट छोड़ने तो, और उसके बाद बेन माइक जैसे कि मैंने मेंशन किया था, क्योंकि फुल कोर्ट अगर यॉर्कशायर बॉलिंग पहले करती है तो फुल कोर्ट ऑफ ओवर डालेंगे, बैटिंग लोअर डाउन ऑर्डर करेंगे, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो बेन माइक भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे उनके लिए। तो दोस्तों हमने आपको 4 कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन भी दिए हैं, एडम लिथ है, डेविड मलान है, जॉर्डन थॉमसन है और बेन माइक है। इनके अलावा जैसे हमने कहा था कि अगर आपको रिस्क लेने का थोड़ा सा मन हो तो जॉनी बेयरस्टो की तरफ भी आप देख सकते हो, इंजरी से वो वापसी कर रहे हैं इसीलिए हम इतना टेम्पटेड नहीं है इस गेम में उनको बैक करना एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन। बट अगर जॉनी बेयरस्टो ऊपर की तरफ आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू एब्सोल्युटली फेनोमिनल बन सकती है। अगर आप मल्टीपल टीम्स के साथ खेल रहे हो तो एक टीम में हम पक्का एडवाइस करेंगे आप जॉनी बेस्टो को अपना कप्तान या वाइस कप्तान बना सकते हो। दोस्तों इस गेम की फाइनल टीम याद रखिएगा आपको मिलेगी ब्लू स्पोर्ट की ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और सेकेंडली आपको ये टीम मिलेगी ब्लू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे, अगेन लिंक पिन कमेंट में है, वहां पर ज्वाइन कर लो ब्लू स्पोर्ट की फैमिली को, वहां पे आपको कंसिस्टेंटली चाहे क्रिकेट फुटबॉल सारे गेम्स की टाइमली अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम, कैसा लगा आप बताइएगा हमें जरूर। आप हमें ईमेल कर सकते हो helpdesk@newsport.com पे, या अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी सेम चीज बता सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू कुणाल फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस प्रीव्यू। हम नेक्स्ट गेम के प्रीव्यू के साथ जल्द मिलेंगे, शायद इसी फॉर्मेट में या कोई और फॉर्मेट अगर आपको पसंद आता है तो हमें बताना मत भूलिएगा।